नमस्कार बच्चों बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए बेटा जी। तो सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में बेटा जी आज हम जो चैप्टर के 20 सवाल ला रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं 20 अच्छे सवाल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। पहला सवाल है बेटा जी, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स इन बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट परफॉर्म बाई, पहला मैकलियार्ड, दूसरा ग्रिफिथ, तीसरा पाश्चर, चौथा मिशेलसन एंड स्टाल। तो गेस करिए बेटा जी आप, चलिए आपने गेस कर लिया होगा और बिल्कुल सही गेस किया आपने, पहले का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, हर्से एंड चेज, अवेरी मैकलियार्ड एंड मैककार्टी, हरगोबिंद खुराना। तो गेस करिए बेटा जी, आपने गेस कर लिया होगा, दो का बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, आपको पता है बेटा जी चार ऑप्शन दिए गए हैं, एडनिन एंड गुआनिन, एडनिन एंड थाइमिन, गुआनोसिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। गेस करिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एडनिन एंड गुआनिन। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपको पता है बेटा जी ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वैलिन और टायरोसिन। तो आप गेस करिए, गेस कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 4 का बी लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट कोडान डिस्कवर्ड बाई नायरनबर्ग एंड मैथेई वाज UUU, AAA, CCC और GGG। गेस करिए आप, और बिल्कुल सही आपने गेस किया है, पहला हो जाएगा UUU। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा जी, रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्यूरिन विथ अनदर प्यूरिन आर पिरिमिडिन विथ अनदर पिरिमिडिन इन जेनेरिक मटेरियल एज, आपको पता है बेटा जी चार ऑप्शन हैं, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, डिलीशन और इंसर्शन। प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा बेटा जी, पिरिमिडिन पिरिमिडिन से। गेस करिए आप, आपने बिल्कुल सही गेस किया, 6 का ए हो जाएगा ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इनिशिएशन कोडान ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, पहला GUA, दूसरा GCA, तीसरा CCA, चौथा AUG। गेस करिए बेटा जी, आपने बिल्कुल सही गेस किया, AUG। ये चेन इनिशिएशन कोडान बेटा जी जो कोड करता है मेथियोनिन अमीनो एसिड को। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट स्पेसिफाइज सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड इज, कोडान, सिस्ट्रान, रेकान और म्यूट्रान। तो आप गेस करिए बेटा जी, इन चारों में से कौन है, कोडान, सिस्ट्रान, रेकान और म्यूट्रान। आपने गेस कर लिया होगा बेटा जी, बिल्कुल सही, सिस्ट्रान आप जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉट अबाउट बाई, पहला है UUG, UAG, UCG, दूसरा है UUA, UAG और UGA। इसके बेटा बेटा इसको जो बी का है इसको कर लीजिए UAA, ये UAA है, तो ये क्या हो जाएगा आपका UAA, UAG, UGA हो गया, फिर UUG, UGC, UCA, फिर है आपका चौथा UCG, GCG, NACC। तो इसमें गेट्स करिए आप, तो 9 का बी चला जाएगा बेटा जी,
क्या हो जाएगा, UAA, UAG, UGA, ये चेन टर्मिनेशन कोडान है। पहले बेटा जिसको नॉन सेंस कोडान कहा जाता था, ये कोड करता है किसको, ओकरे, अंबर और ओपल को। तो ये 9 का बी चला जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है। पहला न्यूक्लियस में, दूसरा साइटोसाल में, तीसरा राइबोसोम में, चौथा लाइसोसोम में। गेस करिए, बहुत आसान सवाल है लेकिन आता है बार बार। 10 का आपने गेस कर लिया होगा सी, राइबोसोम। ये सुपर 20 क्वेश्चन में से बेटा जी हम 10 सवाल पर पहुंच गए हैं, यानी आधा पड़ाव हमने तय कर लिया है। बच्चों मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा जी, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए। बच्चों आजकल मैं जो आपको टाइम थोड़ा देता हूँ कि गेस करने के लिए कि कौन सा आंसर सही होगा, वो आपकी डिमांड पर ही है। उसमें कई बच्चों ने मुझसे डिमांड किया था सर कि कुछ हमको 4-5 सेकेंड दे दिया करिए ताकि हम गेस कर लिया करें, हम अपने मन में आंसर जान लें तब आप बताया करिए। इसलिए मैंने ऐसा आपके सुझाव पर ही किया है बेटा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी, क्वेश्चन 11। इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी, कोडांस यूज टू कोड ऑल द 20 अमीनो एसिड्स आर। आपको पता है बेटा जी, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, कुल 64 कोडान होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। 64 कोडान में से 61 कोडान 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, 3 नहीं कोड करते। तो शुरू में उनको नॉनसेंस कोडान कहा जाता था, लेकिन बाद में कहा गया नहीं, ये चेन टर्मिनेशन कोडान है। तो आपका 11 का जो चार ऑप्शन हैं, 20, 60, 61, 64, आप गेस कर लिए, आप गेस कर लिए होंगे, 11 का सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो आप इसे पता करिएगा बेटा जी कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है। चार ऑप्शन लीजिए आप, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। तो गेस करिए, आपने गेस कर लिया होगा आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर ऑफ जीन्स डिस्कवर्ड इन ह्यूमन जीनोम एज। ह्यूमन जीनोम जो है बेटा जी, उसमें कितने जीन्स डिस्कवर्ड हैं। पहला 20,000, दूसरा 25,000, तीसरा 30,000, चौथा 35,000, मतलब 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। तो गेस करिए, तो 13 का बिल्कुल सही गेस किया आपने, सी जाएगा आंसर, 30,000, 30,000। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 1988, 1990, 1992, 1994। कब इनिशिएट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बेटा जी, गेस करिए। आपने गेस कर लिया होगा 14 का बी, 1990 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन एज। तो पहला है 321, 321, दूसरा है 231, 231, और तीसरा है 292, 292, चौथा है 682, 682। गेस करिए इसमें, गेस कर लिया होगा बेटा जी आपने, 15 का बी जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का है, इन एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, लैक ओपेरान इज इंड्यूस्ड बाई। पहला है लैक्टोज, दूसरा प्रमोटर जीन, तीसरा जो सी लिखा बेटा जी, ये बीटा गैलेक्टोज होता है। ये जो है क्वेश्चन मार्क लगा जहाँ, ये बीटा है बेटा, तो बीटा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज है ये। तो और आई जीन, तो आंसर आप गेस करिए बेटा जी 16 में, बिल्कुल सही गेस किया, 16 का ए है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ लैकोपेरान। कह रहा है इसमें से लैकोपेरान का एक कंपोनेंट नहीं है। पहला प्राइमर जीन, दूसरा प्रमोटर जीन, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन, चौथा रेगुलेटरी जीन। गेस करिए आप, बिल्कुल सही गेस किए हैं, 17 का ए आंसर जाएगा।
विच इज नॉट, बिल्कुल सही बात है, ये नॉट पूछ रहा बेटा, तो पहला जाएगा आंसर। व्हाट डज लैक रेफर टू इन लैक ओपेरान, कर लैक ओपेरान में लैक क्या रेफर करता है, तो पहला है लैक्टेज, दूसरा है सुक्रेज, तीसरा लैक इंसेक्ट, चौथा लैक्टोज। गेस करिए क्वेश्चन नंबर 18 का, आपने गेस कर लिया होगा बेटा जी, 18 का डी जाएगा, लैक्टोज। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहला डबल हेलिक्स, दूसरा एरर इन बेस सीक्वेंस, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म इन आरएफएलपी, चौथा डीएनए क्वाइलिंग। तो इसका आंसर चला जाएगा, आपने गेस कर लिया होगा बेटा जी, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा जी, लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ, पहला 4 रेगुलेटरी जीन्स, बी 2 रेगुलेटरी जीन्स एंड 2 स्ट्रक्चरल जीन्स, 3 रेगुलेटरी जीन्स एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, 1 रेगुलेटरी जीन्स एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। तो आप गेस करिए बेटा जी, आपने गेस किया, चौथा किया होगा, बिल्कुल सही बात है, तो 20 का डी। तो ये 20 सवाल हो गए बेटा जी, मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बेटा जी, और वीडियो देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए बेटा जी, लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा जी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।